दीजिए इधर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म जो आपको पढ़ाए थे, तो मैग्नेटिज्म में जो टॉपिक सब हो गया है उस टॉपिक में करा दिए थे बॉयड सेवर्ट लॉ, है ना। बॉयड सेवर्ट लॉ में आपको रिलेशन जो बनाया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम पॉइंट सोर्स के लिए निकालेंगे, ठीक है, उसमें फॉर्मूला क्या था, डीबी जो निकाले थे न्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, उसी फॉर्मूला को यूज़ करके कई फॉर्मूला डिराइव किया गया था आपका, है ना। जैसे स्ट्रेट वायर के केस में हम निकाले थे, सर्कुलर लूप की वजह से निकाले थे, या कल आपको जो बताए थे कि आपका दो एक पॉइंट पर जैसे स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो तीन केसेस जो जेनरेट हुआ, सर्कुलर लूप में भी बताया गया था कि एक हॉरिजेंटल लेंगे तो सेंटर पर निकालेंगे, और वर्टिकल लेंगे जैसे इस तरह से रखेंगे जो कल बताए थे, तो उसका केस अलग था क्या। इस केसेस पर क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल सेक्शन जो है, न्यूमेरिकल सेक्शन नहीं कराए थे, अब न्यूमेरिकल सेक्शन आज होगा आपका, इस सभी टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, जैसे थ्योरी जो आपका थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, बोर्ड पर हम लिखाते हैं ऐसे, पहला क्वेश्चन लिखिएगा इसका, थोड़ा ना वो सब ज़्यादा पढ़ेगा करें, बायो पढ़ रहा है ना, हो गया क्वेश्चन का, कोई थ्योरी थोड़ा पढ़ा रहा है कि छूट जाएगा क्या क्वेश्चन, देखो एगो कम ही कर लेगा तो क्या हो जाएगा उसको, क्या जी एगो कम क्वेश्चन करेगा तो क्या छूट जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, भविष्य में चल जाएगा, उतार लेगा तुम्हारे कॉपी से, अब छूटबे करेगा लोग क्या, वही क्या पढ़ने दीजिए बायोलॉजी, पढ़ना जरूरी ना यार, फिजिक्स से खाली पढ़ेगा तो कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, द प्लेन ऑफ सर्कुलर हॉरिजेंटल, द प्लेन ऑफ सर्कुलर हॉरिजेंटल, क्वेश्चन लिखिएगा, द प्लेन ऑफ सर्कुलर हॉरिजेंटल, द प्लेन ऑफ सर्कुलर हॉरिजेंटल, इट हैज 10 टर्न्स, 10 टर्न्स है इसमें, इट हैज 10 टर्न्स, Each of 8 सेंटीमीटर, each of 8 सेंटीमीटर रेडियस, जिसका रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। A current of 2 एम्पियर, एक करेंट है 2 एम्पियर का, ठीक है ना, flows through it, ये फ्लो कर रहा है इसके जरिए, ठीक है ना, which appears clockwise from a point vertically above it, find the magnitude and direction of the magnetic field at the center of the coil due to current, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों को बनाना है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ठीक है, वीडियो रोकना पड़ेगा, किताब ले आता है कि आंसर याद किए रहेंगे, आप बता देंगे, वो इसे नहीं होता है, बना के दिखाओ, ठीक है। और किसी का है, सिर्फ इसी से क्यों बन गया, किताब लेके गया है, इसका मतलब आंसर तो याद करके लाया है क्या, रट गए हो गए तो वहाँ को, ठीक है, 1.5 7 10 टू द पावर माइनस
नहीं 1.57 तो ठीक है, मैं 10^-4 है, 10^-4 है। फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है इसका, देखिए इसमें कहा क्या रहा है, द प्लेन ऑफ सर्कुलर हॉरिजेंटल इट हैज 10 टर्न्स। जैसे एक सर्किल है जो हॉरिजेंटली रखा हुआ है, तो हॉरिजेंटली समझ रहे हैं इस प्लेन पर ही रखा हुआ है, वर्टिकली जो हम कल बताया था ऐसे जब रखेंगे तो उसको वर्टिकली कहते हैं, ये हॉरिजेंटली है ठीक है ना। और इसका रेडियस जो दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आपका है 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर, करेंट कितना है 2 एम्पियर है ठीक है ना, फ्लो थ्रो इट, इसे पास कर रहा है, विच अपीयर्स क्लॉक वाइज, किस डायरेक्शन में करेंट फ्लो कर रहा है, क्लॉक वाइज, तो लेफ्ट से राइट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लॉक वाइज बोलते हैं। बोले ये डायरेक्शन जो होता है आपका, दिस इज द क्लॉक वाइज, आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉक वाइज है ना, ये लेफ्ट हैंड है आपका और ये राइट हैंड है ठीक है, डायरेक्शन हो गया करेंट का आपका, फ्लो इट विच अपीयर्स क्लॉक वाइज फ्रॉम ए पॉइंट वर्टिकली अबव इट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्वाइल ड्यू टू करेंट। इस करेंट की वजह से इस सेंटर पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा ये निकाल के बताना है। और इसमें टर्न कितना ले रहा है, 10 टर्न ले रहा है, एन का वैल्यू कितना है 10 है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कुलर केस में न्यू नॉट बाई 4πI/A इंटू 2π होता है, और एन टर्न से तो एन लिख देंगे, सिंगल टर्न के लिए 2π और एन टर्न के लिए एन लिखेंगे क्या। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी आपको लोकेट करना है, तो देखिए करेंट का फ्लो ये है, ये करेंट का फ्लो है ना, ये फिंगर्स को अंदर की तरफ ले जाइए, अंदर की तरफ ले जाएंगे ये सेंटर पर हो जाएगा, मतलब ये फिंगर्स जैसे ही मोड़ेंगे तो सेंटर की तरफ आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, इनवर्ड होगा। या स्क्रू रूल लगाना चाहते हैं तो स्क्रू को यहाँ रख दीजिए और सेंटर की तरफ रोटेट कीजिए, रोटेट कीजिए अंदर चला जाएगा है ना, उससे भी नहीं समझ आएगा तो केवल हाथ पर स्क्रू रख के कस दीजिएगा, अपने पास चला अंदर जाएगा बाहर आ रहा क्या, इसके हाथ पर रख के देख लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा ठीक है। ये वैल्यू कितना है 10^-7, आई का वैल्यू कितना है, ये आपका 2 है और रेडियस कितना हो गया 8×10^-2 और ये 2×3.14 ये 10 आ गया, इतना सर नहीं आया ठीक है, आ गया तो अच्छा है, देख लेते हैं ठीक है, अब हम चेक करेंगे ना कि तुम सही बनाए हो गलत में। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है कैरीज अ करेंट 10 एम्पियर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय द करेंट इक्वल टू 0.5×10^-4। तो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, अब कितना बड़ा है ये तो नहीं दिया है, तो बहुत बड़ा हो सकता है, लॉन्ग मतलब क्या होता है बड़ा होता है, तो इन्फिनाइट का केस यहाँ जनरेट होगा, यहाँ क्या होगा इन्फिनाइट का केस होगा। आपको स्ट्रेट वायर के केस में आपको याद होगा हम बताए थे देखे होंगे तीसरा चौथा क्लास में, क्या इन्फिनाइट का केस होगा, मान लीजिए इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, बहुत लॉन्ग मतलब बड़ा ही होता है क्या। तो इस केस में आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ निकालना होगा इस पॉइंट पर ए डिस्टेंस पर करेंट अगर आई पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, न्यू नॉट बाई 4π/2I/A, यही रहा था फॉर्मूला, जिसमें यह एंगल बन रहा था 90 डिग्री, फाई वन का वैल्यू भी 90 और फाई टू का वैल्यू भी 90 सॉल्व करने, एक्चुअल में फॉर्मूला तो ये है न्यू नॉट बाई 4π/I/A साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये फॉर्मूला को हम जब सॉल्व करते हैं तो ऐसा बन जाता है इन्फिनाइट के केस में क्या, तो इन्फिनाइट केस में ये फॉर्मूला बनेगा तो ए निकालना है तो ये कितना हो जाएगा न्यू नॉट बाई 4π/2I/B, तो यहाँ पर न्यू नॉट बाई 4π कितना होगा 10^-7, 2× करेंट कितना जा रहा है इसे 100 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है 0.5×10^-4, इसे ये कट जाएगा 10^-3, माइनस माइनस में कट सकता है, ये 10 ऊपर जाएगा है ना, इसे ये कटेगा कितना मरते हैं 2 मरते हुए, तो ये कितना आ जाएगा 4×10^-1 0.4 मीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर पर आपको पॉइंट लेना है, पॉइंट कितना दूरी पर लेना है 40 सेंटीमीटर ठीक है ना। और फार्मूला याद रखिए बन जाएगा, इसमें कोई नया काम नहीं है, मेन फार्मूला ही है, ये क्लियर बताइए अपवर्ड हो के डाउनवर्ड।
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि करेंट ऑफ 5 एम्पेयर इज फ्लोइंग साउथ टू नॉर्थ। पहले डायरेक्शन बना लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन पता रहेगा तभी आप काम कर पाइएगा। जैसे नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। क्या डायरेक्शन है? करेंट साउथ से किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है करेंट। ये कितना दिया हुआ है? करेंट का वैल्यू 5 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है ना। इज फ्लोइंग साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है इन अ स्ट्रेट वायर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर। एक सेंटीमीटर का टुकड़ा लिया गया, छोटा सा पार्ट जिसको आप बोलते हैं DL, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं DL, एट अ पॉइंट 1 मीटर नॉर्थ ईस्ट। कितना दूरी पर लिया गया है इस पॉइंट को? 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लिया गया है। मतलब DL का वैल्यू कितना है? 1 सेंटीमीटर। DL कितना हो गया आपका? 1 सेंटीमीटर, इसी नो DL बोलते हैं। तो DL कितना है? 1 सेंटीमीटर मतलब 10^-2 मीटर। SI में बदलना है आपको किसी भी हाल में, क्या SI यूनिट में बदल के ही क्वेश्चन बनाएंगे। पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 1 मीटर नॉर्थ ईस्ट। अब इस पॉइंट को आपको समझना होगा, नॉर्थ ईस्ट वैक्टर में हम बता चुके हैं। क्या जी वैक्टर पढ़े थे? डायरेक्शन बताया था अभी 2-3 दिन पहले बताया कि नॉर्थ ईस्ट लिखा जाएगा तो ईस्ट से कहाँ जाना है? नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। और एंगल जब नहीं दिया रहता है तो इसको हम 45 डिग्री लिखते हैं, नहीं दिया रहेगा तब, दिया रहेगा तो लिखेंगे। अब इसका मतलब है कि यहाँ से आप कहाँ गए? आप गए हैं कितना दिया हुआ है पॉइंट पी पर गए, कितना मीटर गए आप? 1 मीटर, 1 मीटर गए ना। एंगल कितना बनाया ये आपका? ये 45 बनाया, तो ये भी 45 ही बनाएगा क्या? तो अकॉर्डिंग टू बॉयड सेवर्ट लॉ अगर हम बात करें तो बॉयड सेवर्ट लॉ, क्योंकि एक ही लॉ इसमें हम पढ़ाए हैं, इसी पर सारा काम हो रहा है क्या, तो बॉयड सेवर्ट लॉ के हिसाब से क्या होगा? डी बी इक्वल टू न्यू नॉट बाई 4πIDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है क्या। तो ये 10^-7, आई का वैल्यू कितना है? 5 है। DL का वैल्यू कितना है? 10^-2, साइन आपका 45 डिग्री, बाई आर का वैल्यू कितना है? 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 5×10^-9, ये कितना आएगा? 1/√2 आ जाएगा। ये 5/√2×10^-9, इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है? कितना आता है? 3.54 हाँ ठीक है, इतना टेस्ला आ गया। अब डायरेक्शन पूछ रहा है, तो अब डायरेक्शन देखिए, करंट आपको जा रहा है इस डायरेक्शन में। करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। इस फिंगर्स को रोटेट करना है, जिधर आपको निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है ना, तो इधर रोटेट करेंगे। अगर ये पॉइंट यहाँ रहता, अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ है, तब रोटेट जब हम इसको करते हैं, इसको पूरा रोटेट करते हैं ना, जब पूरा करेंगे तब ना इधर आएगा। तो इधर पूरा करेंगे तो फिंगर्स इधर की तरफ दिख रहा है ना, बाहर की तरफ दिख रहा है, ये अंदर की तरफ दिख रहा है, तो अंदर की तरफ हो गया इनवर्ड, अब बाहर की तरफ हो गया आउटवर्ड। यह स्क्रू रूल बताया है, स्क्रू रूल में क्या करेंगे, इसको यहाँ रख के कस दीजिए, है ना, कसीगा अपने अंदर चल जाएगा क्या, अंदर चल गया, इन्वर्ट हो गया, सबसे आसान तरीका है। यहाँ रख के इसको नचा देना है, ठीक है ना, हो गया इन्वर्ट हो गया। डायरेक्शन क्या होगा? इन्वर्ट हो गया, क्योंकि डायरेक्शन समझने में साल बीत जाता है, यह दिमाग में रखिए। डायरेक्शन को हल्के में मत लीजिए, बहुत बच्चा को डायरेक्शन ही नहीं समझ में आता है। आप न्यूमेरिकल जब जाइएगा ऑब्जेक्टिव बनाने तो डायरेक्शन के साथ ही रहता है, वहाँ फंस जाइएगा क्या। तो बहुत ईजी तरीका है, स्क्रू रूल याद रखिए। और ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, एन एलिमेंट DL DXi कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में है, वेयर DX कितना है? 1 सेंटीमीटर। DX का वैल्यू आपका है 1 सेंटीमीटर, 10^-2 मीटर, ठीक है ना। ये आपका है DL वेक्टर, ये DXi कैप है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। कहाँ रखा गया? ये ओरिजिन पर रखा गया है। एंड कैरीज अ लार्ज करेंट, और करेंट जो कैरी कर रहा है कितना है? 10 एम्पियर है आपका। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो वाई एक्सिस पर आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दो एक्सिस आपको लेना है, एक एक्स एक्सिस लेना है और दूसरा आपका वाई एक्सिस लेना है, ठीक है ना। एलिमेंट DL जो लिया गया है कहाँ लिया गया है? एक्स एक्सिस पर लिया गया है, कहाँ लिया गया? ओरिजिन पर, मतलब वही एक्स एक्सिस पर लिया गया है। ये DL वेक्टर है, मतलब एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए इसको DXi कैप लिखा गया है। कैप लगाने का मतलब आई कैप लग गया, मतलब एक्स डायरेक्शन में है ये, ठीक है ना। और आपका इसमें DX का वैल्यू दे दिया है 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदल लेंगे। इस प्लेस एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करेंट आई, और करेंट कितना कैरी कर रहा है?
10 एम्पियर बड़ा करंट इससे जा रहा है, ठीक है ना। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर पी पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, कितना दूरी पर निकालना है आपको निकालना है, आर इक्वल टू 0.5 मीटर पर निकालना है। करंट आपका ऐसे जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, और आपको आना क्या है, इस पॉइंट पर आना है, तो आप रोटेट कीजिएगा, ऐसे रोटेट कीजिएगा ना, तो ऐसे रोटेट करेंगे तो डाउनवर्ड, तो ये पॉइंट यहाँ थोड़े है, पॉइंट तो यहाँ है, तो ऐसे जो रोटेट इसको ऐसे पूरा आना पड़ेगा ना, तब ना यहाँ पर पहुँचेगा, तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा ना। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा सबसे बढ़िया इसको कस दीजिए, बस हो जाएगा क्या, यहाँ रखिएगा, नीचे लाइएगा तो ऐसे अंदर चला गया, अब बाहर लाइएगा तो बाहर निकल जाएगा, क्या हो गया, मतलब ऐसे क्यों रोटेट किए, पॉइंट यहाँ पर है और नीचे रहता था, इसको कस देंगे अंदर चल जाएगा, सबसे सिंपल तरीका है, कोई दोस्त के हाथ पर रख के मारिए अपने पता चल जाएगा अंदर है कि बाहर है। एग्जाम में जैसे दिक्कत है स्क्रू रखे रहिएगा पॉकेट में, ठीक है ना, पेशकश भी रखे रहिएगा, पेशकश भी रख के, ठीक है ना, डायरेक्शन पता चल जाएगा कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मतलब दिमाग में फिट हो जाएगा, अरे इसका तो कसे तो अंदर गया बाहर गया, एक आध बार हम लोग भी कन्फ्यूज किए हैं, कभी खोलने गए तो कसा गया, ठीक है ना, कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा यहाँ पर, तो डी बी का वैल्यू कितना होगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई आपका आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर बाई आपका आर क्यू होगा। अब वेक्टर फॉर्म में इसलिए ले रहे हैं कि ये आर जो आपका है, आर वेक्टर जब हम इसको लिखेंगे तो 0.5 जे कैप होगा, वाई एक्सिस पर है तो क्या होगा 0.5, मतलब वाई एक्सिस पर किसी चीज़ को लेंगे तो जे कैप लिखते हैं, डायरेक्शन वाई की तरफ ले रहा है ना, डिस्टेंस जो है, तो यहाँ पर वैल्यू 10^-7, करेंट कितना है आपका, करेंट आपका है 10 एम्पियर, और डी एल का वैल्यू है डी एक्स आई कैप, और आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 0.5 जे कैप, अब भाई 0.5 का होल क्यू, ठीक है ना। तो आप वेक्टर में भी पढ़ चुके हैं आई क्रॉस जे क्या होता है, प्लस के कैप, अब प्लस के कैप का मतलब समझ रहे हैं कि जेड एक्सिस बाहर की तरफ होता है तो प्लस के कैप, तो इससे भी पता चल गया कि डायरेक्शन बाहर की तरफ है ना, यहाँ से इससे भी निकल गया कि बाहर की तरफ है, मतलब ये 10^-6 डी एक्स इंटू 0.5 और आई क्रॉस जे क्या होगा, प्लस के कैप है ना, और इसका वैल्यू हो जाएगा 125 × 10^-3, मतलब ये वैल्यू जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 10^-6 डी एक्स का वैल्यू कितना है 10^-2 5 × 10^-1 ये कितना हो जाएगा 125 × 10^-3 के कैप। के कैप का मतलब समझ ही रहे, इतना टेस्ला भी लिख लीजिएगा यूनिट में भी है ना, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, इसे ये कट जाएगा 25 मरते हुए, इसे ये कटेगा 3 मरते हुए है ना, इस सबको प्लस कर दीजिए तो 1/25 × 10^-6, तो इसमें क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि 25 से काटना भी तो है, तो 25 से काटेंगे इसको तो 4 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 10^-8 टेस्ला, ये किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब देखिए कैलकुलेशन आपके हाथ में, कैलकुलेशन को कैसे हम फास्ट करेंगे, कैलकुलेशन के लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स है ये तो क्या, अब ये बहुत बच्चा गुना भाग करते रह जाता है निकलता ही नहीं रिजल्ट है ना, ये सब चीज़ आपको सोचना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, इसमें कोई नया बात नहीं है, आप कर सकते हैं अपने से भी, ठीक है, प्रैक्टिस मिला के आया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है।